हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ रनवन की स्टोरी का। इसे शुरू करते हैं। इस ओरिजिनल नॉवल का नाम है दी हस्की विद हिज वाइट कैट शिजुन, जिसे लिखा है हमारे मीट वन डजन ईट मीट ने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि मोर्डन कुछ कह पाता, सडनली उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि यहाँ पर उसके कानों को चीरती हुई आती है और उसके पीछे से आ रही थी। जाने दो, मुझे जाने दो, पहले मुझे जाने दो। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बीटल हो। यहाँ पर एक हैवी स्टोन जो था वो यहाँ पर बीटल के पास था जो कि आगे आ रहा था, और जैसे वो आगे आ रहा था उसके पीछे फार्मेसी भी थी। यहाँ पर वो एकदम से चलाता है, मैं इसे और नहीं झेल पाऊँगा, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास जाने दो, मुझे मेरी लाइफ को यहाँ पर बचाने दो। यहाँ पर एक सफ़ेद बालों वाला ड्रैगन था जो कि जैसे स्विम कर रहा हो। इस ड्रैगन की जो पूंछ थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी अदर ड्रैगन से। उसकी बॉडी पूरी गोल्ड की थी, शाइनी थी और गॉर्जियस लस्टर वाली थी। उसका हेड जो था वो पूरा का पूरा बालों से भरा हुआ था जो कि बंधे हुए थे सिंपल हेयर बटन से। यहाँ पर वो आसपास आ रहा होता है और शोल्डर के आसपास भी। यहाँ पर उसका चेहरा कवर था, रिंकल से भरा हुआ था और उसकी जो शेप थी फेस की वो बहुत अलग सी वेल प्रोपोर्शन थी। यहाँ पर उसके नोगों के नाक के बीच में एक अजीब सा स्ट्रेट ब्रिज सा था, जैसे कि दिखा रहा हो कि वो कितना ज़्यादा अलग हो। किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये जेंटलमैन जो है वो इतना ज़्यादा हैंडसम हो सकता है और वो कि एक एक इंसान जैसा लग सकता है। मोरन यह देखता है, ये पहले जैसा नहीं था। यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लड ड्रैगन भी था जिसकी एज जो थी वो ज्वारन जितनी होगी, यहाँ से दूरी भी उतनी ही थी। वो कुछ कहता नहीं है पर सामने आता है, बिल्कुल एक कबाड़ की तरह छुप जाता है। और यहाँ पर वो उठाता है कुछ पत्थरों को जो कि ऐसा लग रहा था कि एक स्कॉर्पियन उसे अपने पीठ पर एक एक करके कैरी किए हो। वो जैसे ही उन स्टोन्स को हटा देता है वहीं उसका इल्यूजन ब्रोक हो जाता है और ये बीटन्स सडनली एक्सप्लोड होने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे पस और ब्लड इधर उधर गिरने लगता है, जैसे कि कोई फ्रॉग जंप लगा रहा हो। उसी टाइम पे यहाँ पर घोस्ट मॉन्स्टर सारे के सारे मार्केट में जो थे वो फ्रोज हो जाते हैं, उनके लिप्स कांपने लगते हैं और यहाँ पर उनके हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं। सारे के सारे एकदम से स्टिंकी ब्लड में बिल्कुल दिखने लगते हैं और लेक के अंदर जैसे कोई बदबू आ रही हो। यहाँ पर लेक का जो पानी था इंस्टेंट लाल हो जाता है। कलर जो था ब्लड का वो यहाँ पर डीपर और डीपर और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। मोरन चू एनिंग यहाँ पर समझ आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। डिस्टेंस से वो देखते हैं कि उन्हें अभी भी चीज़ें ढंग से दिख नहीं रही थी, जैसे उनकी आंखों के सामने सब कुछ लालम लाल छा गया हो। यहाँ पर वो उंगली को देखते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने हाथों को। यहाँ पर चू एनिंग धीरे से कहता है मोरन, क्योंकि मोरन किसी चीज़ को छूने जा रहा था। मोरन समझ आता है और वो बिना कुछ बोले, अभी चू वेनिंग ने कुछ कहा नहीं था, उसने कहता है, वो कहता है मास्टर डोंट फरी, मैं यहीं हूँ। चू वेनिंग अभी कुछ नहीं कहता और कहता है बी केयरफुल, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अजीब उकरीब हैं। ब्लड यहाँ पर बिल्कुल ब्लर हो रहा था, मोरन अब कुछ भी नहीं देख पा रहा था। यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई थी, जैसे आसमान गिरने वाला हो, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी। उसके मास्टर्स की वॉइस से आ रही थी और यहाँ पर वो बहुत रेयरली ही फील कर सकता था चू वेनिंग का वार्म जो कि वीकडेज पे ही होता था। इस मोमेंट उसे सडनली एक उसकी चेस्ट में हीट सी फील होती है और यहाँ टाइटन हो जाती है। वो धीरे से कहता है ओके। यहाँ पर वो दोनों के दोनों बहुत क्लोज थे, बैक टू बैक वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे थे, बट वो एक चीज़ महसूस कर रहे थे, एक दूसरे की हर्ट बीट, एक दूसरे की सांसें, और ये सिचुएशन और भी वियर्ड बना रही थी। जो एनिंग समन करता है तियानवेन जो कि उसकी विलोवाइन थी, यानी कि उसकी हंटर स्टाइल की विलोवाइन। यहाँ पर मोरन जो है वो रिकवर हो चुका था अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ और इस टाइम वो समन करता है अपनी लाल कलर की विलोवाइन हेल को। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था दोनों ने अपनी अपनी मार्शल आर्ट को सीखे हुए। मोरन सडनली कहता है मास्टर इधर देखिए। चू वेनिंग साइड में देखता है और यहाँ पर डोर ऑफ फार्मेसी होता है जहाँ पर ओल्ड झावरन यहाँ पर पिक कर रहे थे कुछ स्टोन्स को और वो बहुत सारे सफ़ेद स्पॉट छोड़ रहा था। वो साइज सडनली अपीयर होता है ग्राउंड पे और दोनों के दोनों हाथों में हाथ डालते हैं और वो और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पर लाइट स्पॉट जो हैं वो स्टोन से बीटल्स निकालने के बाद ही छोड़े गए हैं। ना जाने कितने डजन्स ऑफ स्टोन वहाँ पड़े हुए थे, आसपास अरेंज थे
और इन तीन रो में ओल्ड झावरन जो था वो हर एक पीस को उठाना चाहता था सॉफ्टली। यहाँ पर ये चीज़ स्लोली थी, पहले फिगर आउट करते हैं वो धीरे धीरे सब चीज़ों को। यहाँ पर एक वाइट हेयर्ड फ्लर्ड ड्रैगन था अभी के अभी। मोरन कहता है, तुम कौन हो? वो पर्सन अभी आंसर नहीं करता, वो जोएनिंग की तरफ देखता है, मोरन की तरफ देखता है और वो साइलेंटली अपना हाथ उठाता है और पॉइंट करता है स्टोन जो कि ग्राउंड पर पड़े हैं। मोरन कहता है, क्या तुम इन्हें उठाना चाहते हो, इन स्टोन्स को? वो वाइट हेयर ड्रैगन सिर हिलाता है और स्ट्रेच करता है अपनी फिंगर को। फिर यहाँ पर कहता है, क्या ये मीनिंग है इसका, इन पीसीस को उठाने का? वाइट हेयर जाओ ड्रैगन उठाता है और अपने सिर को हिलाते हुए अपने सिर को मना करता है, पॉइंट करता है मोरन की तरफ, देन पॉइंट करता है जोएनिंग की तरफ। मोरन अभी समझ गया था और वो कहता है, क्या ये पर्सन, ये इकलौता पर्सन यहाँ पर ये सब पीस उठाने आया है? इस टाइम वाइट हेयर ड्रैगन जो है वो सिर हिलाता है और वो इस वक्त मूव नहीं करता, वो दोनों की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। मोरन धीरे से कहता है, मास्टर क्या आप इसकी बातें सुनना चाहेंगे? वो कहता है, वैसा ही करो जैसा ये कहता है, और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर दोनों जो हैं वो धीरे धीरे स्टोन को पिक करते हैं और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, जैसे ही वो स्टोन को टच करते हैं अपने फिंगर टिप के साथ, वहाँ पर वो ग्रो होने लगता है और उनकी आंखों के सामने यहाँ पर स्काई अर्थ रोटेट होने लगते हैं, कलरफुल उनके आसपास चीज़ें रश होने लगती हैं जैसे कि पास्ट में थी, और यहाँ पर एंडलेस ब्लड जो था वो सडनली डिसअपेयर हो जाता है। वो यहाँ पर धीरे से कहता है, मास्टर मास्टर। तभी चोवेनिंग कहता है, मोरन शूमेंग और यहाँ पर शीमे एक्चुअली इधर ही थे, और वो अभी के अभी चोवेनिंग को देखते हैं और दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ग्रीट करते हैं। और अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर बहुत सारे स्टोन थे जो कि अटैच थे टेलीपोर्टेशन स्पेल से। चोवेनिंग जो है अभी भी स्टिल वो बीमार सा फील कर रहा था और रैपिड रोटेशन जो अभी हो रही थी उससे वो अपने एक हाथ को अपने फोरहेड पर रखता है और दूसरे हाथ से मोरन को टाइटली पकड़े रखता है। ये जो ब्लड था लेक में, मोरन जो है वो अपने हाथों को अपने मास्टर के हाथ से कोलैप करता है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी उसके हाथ से अपने हाथ को जुदा नहीं करता। चू वेनिंग की आइडेंटिटी, यहाँ पर बहुत सारे चांसेस भी थे मोरन के साथ उसे रहने के, और सबसे ज़्यादा टाइम वो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से दूर नहीं खड़े थे, वो देख सकते थे, यहाँ पर उनके जो स्टूडेंट है वो भी देख सकते थे कि ये दोनों के बीच में कितना वार्म्थ है। इस तरह का रेयर ही वार्म्थ उन दोनों के हाथों या इन दोनों की बॉडी के बीच में रहता था। धीरे से एक इंसान कहता है, मास्टर ये वार्म्थ बहुत प्रीशियस था चुवेनी के लिए भी और मोरन के लिए भी। बट जिस मोमेंट मोरन शीमे को देखता है, मोरन जो है वो अपना हाथ झटक देता है और यहाँ पर चुवेनी की फिंगर टिप हल्के से मूव करती है। उस मोमेंट के लिए वो उसे फिर से पकड़ना चाहता था, बट क्या रीज़न होगा, उसमें अब करेज नहीं था दूसरों की तरह कि अब वो फिर से मोरन का हाथ पकड़े। वो अब कुछ भी लूज़ नहीं करना चाहता था, अपना प्राइड तक नहीं। तो जैसे ही देखता है कि मोरन ने शीमे को देखा है और वो उसे देख के इतनी ज़्यादा स्माइल कर रहा है, वो हकल लेता है शीमे को, नेचुरली रब करता है उसके बालों को। चुवेनिंग की फिंगर टिप बेचारी एक जगह ही रह जाती है, कुछ एम्बैरेसमेंट उसके चेहरे पे थी और वो मन में सोचता है गुड लक नेक्स्ट टाइम। उसका फेस पेल पड़ गया था, इमोशंस ऑब्वियसली उसके अनस्टेबल थे। वो एक वक्त के साथ साथ उसे लग रहा था मैं बड़ा बूढ़ा हो जाऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 32 साल का था और अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी स्टबर्न है। यहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन सर्कल को ढूंढ रहा था बहुत टाइम से, लेकिन अब उसका दिल जैसे मानो ठंडा ही पड़ गया हो, उसकी फिंगर टिप कोल्ड हो रही थी। ये वार्म्थ जो इतनी देर से वो फील कर रहा था, अब जैसे मानो उसका दिल एकदम पत्थर जैसा ही हो जाए। वो अपनी एक्सप्रेशन को स्ट्रेट करता है, तभी एक आवाज़ आती है, मास्टर आप ठीक हैं? आपका फेस पीला क्यों पड़ गया? जो एनिंग जो है वो शूमेंग की तरफ सिर हिलाते हुए कहता है, इट्स ओके। तभी वो रुकता है, वो धीरे से कहता है, आपको भी शार्क ने यहाँ भेजा था? इससे पहले शूमेंग कुछ बोलता, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बबलिंग होने लगती हैं। और चुवेनिंग जो है वो अपना सिर जैसे ही इधर उधर करता है, वो देखता है कि एक हाफ ब्लड फेस उनके सामने आता है और बैंक के साथ वहाँ पर बॉयलिंग स्वर्ड कास्टिंग होती है पूल के अंदर, और एक मैन जो था वो अजीब सी फिगर वाला सामने आता है। और डेफिनेटली ये कोई मॉर्टल नहीं था, डेफिनेटली ये लिविंग पर्सन भी नहीं था, और मॉर्टल जो था वो पूरे का पूरा
आयरन, गरम गरम आयरन के अंदर जैसे उसे डुबा दिया हो, जैसे वो अभी भी जिंदा लग रहा है, लेकिन दूसरे हाथ पे वो जो पर्सन था उसकी स्किन पूरी की पूरी स्कॉर्च हो गई है और उसका फ्लैश जो है वो अभी भी दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे वो खून में सना हो। यहाँ पर उसके हाथों में, पैरों में चार चेनें बांधी गई थी और सच में वो बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। धीरे से वो अपनी आँखों को खोलता है और यहाँ पर वो बो करता है क्राउड को। उसका जो लुक था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के सामने प्लीट करना चाहता हो। यहाँ पर सारे के सारे स्वर्ड कास्टिंग पूल उसके सामने गैदर हो रहे थे। वो बोल नहीं पा रहा था, उसके लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल था। और वो धीरे से अपने हाथों को वेव करता है। उसकी आर्म जो थी वो अभी भी उसकी हड्डियों और चितरे हुए मांस से कवर्ड थी और वहाँ पर जो उसके हाथों पैरों पे जो आयरन चेन बंधी हुई थी, वहाँ पर सडनली स्मॉल वेव्स उनसे आने लगती है और स्लोली ट्विस्ट होने लगती है और ना जाने कितनी सारी लाइंस जो हैं वो एयर में बनने लगती है। ये कोई एंशिएंट टेक्स्ट था, शूमैन कहता है। ये क्या लिख रहा है, ये वर्ड क्या लिखा है, हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे इनमें से किसी भी चीज़ को। चुवैनी कहता है, ये कांगजी एंशिएंट बुक है, इसे मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं है। मोरन कहता है, तो ये राइटिंग क्या है। चुवैनी कहता है, ये हेल्प के लिए बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड जो कांगजी एंशिएंट बुक थी वो रिटर्न की गई, वो लिखी गई थी हेवनली रेल्म में, यानी कि स्वर्ग द्वारा लिखी गई थी और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो गुम हो गए थे ह्यूमन वर्ल्ड में और कुछ लोग जो थे उस चीज़ को समझते थे। इवन एक मास्टर जैसे कि चू एनिंग है वो भी नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता रिटर्न करेक्टर को, बट जनरल कॉन्टेक्स्ट में स्टिल वो रीडेबल है। चू एनिंग जो है उसकी तरफ देखता है केयरफुली और ट्रांसलेट करता है कि वो कह रहा है कि उसकी स्पिरिट जो है वो इस विलो ट्री की है। इसे हर्ड पिकिंग विलो भी कहते हैं। इसकी जो सीडलिंग है वो अलग तरीके की है और यहाँ पर इस इधर सेवंथ हेवन ऑफ गोड्स की जगह इसे माना जाता है। ये ह्यूमन वर्ल्ड में लाया गया है। जब गोचेंग मर गया था किसी अननोन रीज़न की वजह से, तब बिंगशिंग लियुंग ने उसे कभी दोबारा नहीं देखा और वो नहीं जानता कि वो सच में ज़िंदा है या मर गया। और अब ये चीज़ मैटर नहीं करती वेदर गु चेंग शेंग जोंग प्रेजेंट है नहीं है। उसने यहाँ पर पिक किया हुआ है हर्ट विलो को, जो कि गार्ड कर रही है जिन चेंगची को और गार्ड कर रही है डिवाइन सेवरल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड वेपन, यानी कि लाखों वेपन को, और यहाँ नर्चर कर रही है स्पिरिचुअल एनर्जी को। यह ट्रांसफॉर्म हो रही है ह्यूमन फॉर्म में और जो भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं अंटिल एक दिन जब ऐसा आएगा। चुवेनिंग ये बोलते बोलते रुक जाता है और वो आगे नहीं पढ़ पाता। मोरन कहता है, क्या वो कहता है, मैं नहीं जानता इन वर्ड्स को, ये थ्री वर्ड्स, ये ऐसा लग रहा है ये किसी पर्सन का नेम है। चू एनिंग धीरे से अपना सिर उठाता है, क्लिक करता है कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट को। इन शॉर्ट ये जो पर्सन जिन चेंगची है ही, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रूअल है, मार सकता है किसी भी क्रिएचर को पूल में और वो उसकी उसको जनलोंग चेस गेम की तरह कंट्रोल कर सकता है। और वो यहाँ पर हर्ट पिकिंग विलो विल को भी स्पेयर कर सकता है, छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता सॉरी। मोरन इमिडिएटली कहता है, ये पर्सन प्रोबेबली फेक गोचेन। यहाँ पर वो जब बिंगशिंग लियू का नाम सुनते हैं उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और इमिडिएटली वो सिर हिलाता है दो बार। वो कहता है, मैंने ये सच में सही गेस किया था। मोरन हंसता है और कहता है, हाँ हाँ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, यह आदमी कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। चुवेनिंग उसकी तरफ देखता है और कंटिन्यू कहता है, इतने सालों से हर्ट पिकिंग विलो वो हमेशा स्टेट में रही है, डिमेंटिया स्टेट में, और कभी भी वो आधी जागी नहीं हुई और आधे दिन के लिए भी नहीं हुई। फॉर्चुनेटली दो सेक्शन विलो जो हैं वो शेयर करती हैं सेम स्पिरिट को, जैसे कि तियानवेन और हेल, यानी कि मीरा और मोरन का जो औजार है, जो उसका वेपन है, वो एक दूसरे को शेयर करती हैं और वो अब अवेकन भी हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेंथ जा सकती है और रीगेन कॉन्शियसनेस जगा सकती हैं इस विलो पेड़ की जो कि लॉस्ट हो चुका है और यहाँ से किसी भी टाइम भाग गया था, जिसकी वजह से सारे यहाँ पर लोग हार्म हो रहे हैं। यहाँ पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनका खून, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से यहाँ पर चीज़ें नर्चर हो रही हैं, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। मोरन कहता है, सीनियर लियो। शुमेन कहता है, सीनियर लियो। तभी एक आवाज़ आती है, अदरवाइज हम इसे क्या कहें, क्या आप पिक करना चाहेंगे किसी सीनियर को, मैं ये सुनना तो नहीं चाहता, बट जैसा कि आपने कहा आप अपने वर्ड को जस्टिफाई करें।
तभी एक हर्ट पिकिंग विलो जो है वो कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, बट वो मोरन के वर्ड को अंडरस्टैंड करती है और वो अपना चेहरा को हिलाती है। मोरन कहता है, आप पहले कहते हैं कि आपको फेक ग्यूचेन ने धोखा दिया, इसका मतलब आप अपनी सैनिटी को दोबारा पा सकते हैं, बट आप इन्फ्लुएंस में हैं तियानवेन के और उसके ऑरे में। जब से घोष जागे हैं तब से घोष जो हैं वो मुझे फेक ग्यूचेन द्वारा ये चीज़ें दी गई हैं और आप नहीं जानते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिंग शिन लियू जो है वो अपना सिर हिलाता है और जो टेक्स्ट था चुवेनिंग की आय चेंज हो जाती है। वो कहता है, मैं एक ट्री की स्पीशीज हूँ जो कि गोड रेल में थी और वो नहीं जानता मेरे को अच्छे से, वो नहीं जानता कि मार्शल आर्ट इफेक्ट कर सकता है किसी के भी माइंड को और उसे मेरी पावर की ज़रूरत है स्टडी करने के लिए 3 फॉरबिडन आर्ट्स इन रीसेंट ईयर में, बिकॉज मेरी लाइफ जो थी वो अब एंड में आ रही है। तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस था और मैं भी ढूंढ रहा था कंटिन्यूसली मेरी लाइफ के बारे में, बट मुझे अब इस बारे में नहीं जानना क्योंकि मैं और जीना नहीं चाहता और मैं मरना पसंद करूँगा रेदर देन किसी का एक स्लेव बन के। एक चीता किसी का स्लेव नहीं बन सकता और ये बहुत दुख की बात है कि मुझे कंट्रोल किया गया दूसरों के द्वारा और मैं खुद की मदद भी नहीं कर पाया। चू वेनिंग यहाँ पर समझता था और वो कहता है, तो मोरन इसे जाने दो, और बॉटम ऑफ वाटर में तुमने मोरन को आने दिया। मोरन की एशंस जो है वो वुड स्पिरिट की है और वो जो फेक कैलकुलेशन थी मस्ट बी कंबाइन की गई थी मोरन की घोष स्पिरिचुअल पावर के साथ, एज कि वो मोरन को तुम्हें सेक्रीफाइस कर दिया जाए। यहाँ पर जो पिकलिंग विलो थी वो नोट करती है और मोरन पजल था। वो कहता है, बट ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर दो वुड स्पिरिट है जिसकी एशंस जो है मास्टर के पास उनमें से एक है, तो उन्होंने मुझे क्यों चूज़ किया, वो मेरे को क्यों पाना चाहती हैं। तभी बिंगशिंग कहता है, बिंगशिंग ल्यू लिखता है कि एंशियंट टाइम से यंग पीपल जो हैं वो बेस्ट सेक्रीफाइस रहे हैं जो जिन्हें उन्हें यूज़ किया जाए ट्री की स्पिरिट के द्वारा, और सेक्रीफाइस जो है वो फुल ऑफ फूड ड्रिंक और सारे इमोशंस डिज़ायर्स का होता है, इससे ही वो सेटिस्फाई हो सकता है। और मेरी लाइफ जो है वो ऑलरेडी इल्यूजन के द्वारा ले ली गई है, अगर ये ऐसा ना हुआ तो सेक्रीफाइस जो है वो रिग्रेट करेगा और यहाँ पर बहुत बुरी चीज़ें रहेंगी और ये स्पीड अप करेगी मेरी विदरिंग को। वो जैसे ही कहता है, मोरन सडनली सोचता है कि वो जो फॉक्स डेमन था जो कि चूवेनिंग उसके सामने आया था सीक्रेट रूम में, ये दर्शाता है कि वो अपने पैशन से सेटिस्फाइड है, डिज़ायर से सेटिस्फाइड है, उसके क्या डिज़ायर हैं। वो एक पिक को भी मारने के लिए इच्छुक हो जाता है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है, इस तरीके से ये सेंस नहीं बनाता कि उसने जब चूवेनिंग को देखा इंस्टेड ऑफ शी में वो उससे इस चीज़ को चेरिश करे या दुख फील करे। अपनी टीचर्स की इग्नोरेंस को देखकर वो अब ये बातें उनके सामने तो नहीं रख सकता था, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था उसका जो लव और डिज़ायर है वो चूवेनिंग के लिए है या फिर शीमी के लिए। चूवेनिंग जब देखता है कि मोरन के जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो गया है, तो वो कहता है, क्या सोच रहे हो तुम। मोरन कहता है, कुछ नहीं। मोरन ब्लश करने लगता है, चूवेनिंग स्टन रह जाता है थोड़ी मोमेंट के लिए और सडनली समझ जाता है और वो कुछ बात नहीं करता। वो अपने गुस्से में सिर को झटकाता है। वो मन में सोचता है, ये जो किड्स हैं ना आज के टाइम के, उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। वो धीरे से रिकॉल करता है 7 इमोशंस और 6 डिज़ायर्स को और इसके बारे में वो सोचने लगा। चूवेनिंग धीरे से कहता है, शिमलेस, क्योंकि 6 डिज़ायर में सेक्स भी आता है। यहाँ पर मोरन उसे देख रहा था। चूवेनिंग जो है वो नहीं जानता था कि कौन उसके पैशन डिज़ायर को सेटिस्फाई करेगा इल्यूजन में। अगर वो जानता तो वो यहाँ पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे शर्म आती क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो अपने डिज़ायर्स के लिए शीमे को सोच रहा होगा, लेकिन वो चूवेनिंग के साथ अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहता था। इस बारे में सोचकर ही यहाँ पर शेन वूकू जो है वो ट्रम्बल करने लगता है और शूमेंग धीरे से कहता है, सरप्राइज होके, ये क्या चल रहा है। और गाइस वहाँ पर अचानक से कुछ गड़बड़ होने वाली है। देखते हैं इस पूल से वो लोग कब निकलेंगे, कब वो लोग अपने वापस वर्ल्ड में पहुंचेंगे और क्या यहाँ पर इनमें से किसी एक की हत्या हो जाएगी, ये देखेंगे हम आने वाले टाइम में, आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।